नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आपने कई बार देखा या सुना होगा कि इंसान के शरीर में माता आती है। ये माता किसी धार्मिक स्थल या जगराती के समय इंसान के शरीर में आती है। जब कोई माता किसी इंसान के शरीर में आती है तो अपनी जीभ बार बार बाहर निकालने लगता है और अपने सिर को जोर जोर से हिलाने लगता है। ये माता अक्सर महिलाओं के शरीर में ही प्रवेश करती है। माता आने पर महिलाओं के द्वारा अलग अलग गतिविधियाँ करना भारत में एक आम नजारा है। जब भी किसी धार्मिक त्यौहार को इंसान अचानक से नाचने लगता है और साथ में हल्के हल्के कुछ बड़बड़ाने लगता है तो माता आना कहते हैं। माता आने पर औरतें अक्सर अपने आपा खो बैठती और अपने बालों को खोल कर जोर जोर से सिर हिला भक्ति में लीन हो जाती हैं। माता आने वाली बात के पीछे की वैज्ञानिक तर्क ये है कि कुछ लोगों का कहना ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सिर्फ किसी एक विषय जैसे माता के बारे में ही सोचता है तो खुद को माता समझने लगता है, उनकी जैसी हरकत करने लगता है। इस उदाहरण का जिसे भूलभुलैया नाम की फिल्म में भी दर्शाया गया है, जिसके चलते एक ऐसा समय आया जब वह खुद को ही मंजुलिका समझने लगी, उसी की तरह ही व्यवहार करने लगी। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि वैसे तो माता इंसान के शरीर में सच में आती है, लेकिन कुछ महिलाएं इसका फ़ायदा उठाकर ढोंग करती हैं। लेकिन माता आना एक आम बात हो चुकी है अब तक महिलाओं में।